रेलगाड़ी। नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक क्या है? ट्रेन है आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले ध्यान से सुनिए, एक बात सुनिए। आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही है पटवारी के लिए? और हाँ, मैथ्स का जो सिलेबस है लगभग 70-80% समाप्त हो चुका है। आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है, आप लोग कितने घंटे पढ़ते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, देखते हैं किसकी क्या स्ट्रेटजी है, कौन कितना करीब है। ठीक है, चलो आओ आप ट्रेन समझते हैं। ट्रेन में जितने भी केस होते हैं आज सारे करवा देंगे। ठीक है ना, देखो जितना पटवारी में ट्रेन आता है, सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला है उसको लिख लो, क्या? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यही मैंने डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में भी बताया था। यहीं पे सिर्फ एक फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के साथ हम पूरी ट्रेन को क्या करेंगे, चुक चुक करके दौड़ाएंगे। ठीक है ना, चलो आओ। तो पहला केस फर्स्ट लिख लो हमारे पास, केस फर्स्ट क्या है, सबसे पहले आओ केस फर्स्ट देख लेते हैं। ठीक है ना, हमारे पास एक ट्रेन है, हमारे पास ये एक ट्रेन है। ठीक है, चलो बनाए लेते हैं ये ट्रेन है। अगर इसकी मैं लेंथ ले लूं, इसकी लंबाई अगर मैं L मान लूं, ठीक है, अगर इसकी लंबाई मैं L मान लूं और इसकी स्पीड है क्या S, इसकी स्पीड है क्या S, अब ध्यान से सुनना यहां मैं क्या बताने वाला हूं। मान लो यहां पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है ना, चंगूलाल। ठीक है, यहां पे कोई खंभा है, ठीक है, खंभा, बिजली का खंभा है। ठीक है, या यहाँ पे कोई पेड़ है। ठीक है ना, कुछ भी हो, ये सारे कैसे ऑब्जेक्ट हैं, स्टैटिक, ये मूव नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो हमारे पास इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पूछता क्या है कि कितने समय में ये ट्रेन आदमी, खंभे या पेड़ को पार कर लेगी। ठीक है ना, ये बस इतना पूछेगा। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस देखो क्या हो जाएगी, जो हमारी ट्रेन की लेंथ है वही हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जो हमारी स्पीड है वो तो स्पीड सेम स्पीड ही रहेगी इनटू टाइम, और ये हमारे पास पहला फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे देखो, मान लो अगर ट्रेन की स्पीड 10, ट्रेन की लेंथ कितनी है 10, ठीक है ना, ट्रेन की लेंथ कितनी दी हुई है 10, ठीक है ना, और स्पीड हमारे पास कितना है 5, ठीक है ना, स्पीड हमारे पास कितनी है 5, तो क्या करोगे, कितने टाइम में इन सबको पार कर लेगी, कितने टाइम में, लेंथ क्या कर दो 10 अपॉन स्पीड क्या कर दो 5, यानी 2 आवर में ये ट्रेन इन ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, पार कर देगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये नंबर मैंने जस्ट इसलिए ले लिया ताकि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाए। ठीक है, ये हुआ पहला केस। ठीक है, इसमें क्या कह दिया रहेगा, मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं रहेंगे, आपको ट्रेन क्रॉस करानी है। ठीक है ना, चलो दूसरा देख लेते हैं केस सेकंड अपने पास क्या हो जाएगा, एकदम बढ़िया तरीके से सरल केस है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, चलो दूसरा केस हमारे पास, फिर से हमारे पास एक यहाँ पे ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन है, उसकी लेंथ क्या है L1 मान लेते हैं इस बार। ठीक है, लेंथ क्या है L1 मान लेते हैं, L1 मान लो या LT मान लो ट्रेन की लेंथ। ठीक है ना, ट्रेन की लेंथ को LT मान लो और स्पीड हमारी क्या है इस बार S है। ठीक है, S है। अब यहां पे देखो, यहां पे ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये पुल हो सकती है आपकी। ठीक है ना, प्लेटफॉर्म हो सकता है, टनल हो सकता है। ठीक है ना, टनल हो सकता है और क्या गुफा, TWNL गुफा, कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी कि नहीं होगी, सबसे पहले ये बताओ। इसकी लेंथ होगी तो इसकी लेंथ को मान लो L मान लो, इसकी लेंथ को क्या मान लो L मान लो। अब आपसे यहां डिस्टेंस का फॉर्मूला पूछेगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाओ। चलो डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाते हैं। डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, LT प्लस L। तो डिस्टेंस इस बार हमारी क्या है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो फॉर्मूला में डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी, LT प्लस L इज इक्वल टू, ये हमारे पास इसकी कोई स्पीड है क्या, ये पुल, प्लेटफॉर्म या टनल की इसकी कोई स्पीड है क्या, नहीं, इसकी कोई स्पीड नहीं है, ये स्टैटिक है, खड़े हुए हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं। तो हमारे पास ये स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा और यही हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक बार ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है ना, थर्ड केस देखो, केस थर्ड देख लेते हैं। चलो बढ़िया तरीके से केस थर्ड, ठीक है ना, चलो आओ केस थर्ड क्या है हमारे पास वो भी देख लेते हैं। फिर हमारे पास एक क्या है, ट्रेन है। ठीक है ना, एक ट्रेन है, इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, LT है, और इसकी स्पीड कितनी है इस बार, S1 है। ठीक है,
स्पीड कितनी है, S1 है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे दो केस में बनाता हूं, दो केस बनाता हूं, ठीक है। एक आदमी है, एक आदमी है यहां पे रामलाल, ठीक है ना, और ये दूसरा आदमी है श्यामलाल, ठीक है ना। रामलाल और श्यामलाल दो आदमी है, ठीक है ना। इस रामलाल की स्पीड, इस रामलाल की स्पीड ट्रेन की ही दिशा में है, ट्रेन की ही दिशा में है, ये S2 स्पीड से चल रहा है, और श्यामलाल इसकी दिशा में, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, अपोजिट, और ये भी किससे चल रहा है, S2 से चल रहा है। अलग अलग केस हैं, पहले इसके साथ ट्रेन को अज्यूम करना, पहले इसके साथ ट्रेन को, ठीक है ना। अब चलो, अब चलो, अब इस बार डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। इस बार डिस्टेंस कितनी तय होगी, जब भी ये ट्रेन रामलाल को पार करेगी तो रामलाल की डिस्टेंस क्या है, जीरो है, रामलाल की डिस्टेंस तो जीरो है, और ट्रेन अपनी ही डिस्टेंस को क्या करेगी, पार करेगी। तो हम क्या लिख देंगे, इस बार यहां पर भी डिस्टेंस इक्वल टू एलटी हो जाएगा, लेकिन लेकिन स्पीड में चेंजेस आएंगे, क्या आएंगे, स्पीड में चेंज आएगा, कैसे आएगा, एस वन स्पीड है हमारे पास और इसकी एस टू स्पीड है, ठीक है। ये डायरेक्शन किस में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो क्या कर देना, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड को घटा देना, ठीक है ना। सेम डायरेक्शन मतलब ये देखो, ये भी इधर जा रहा है, ये भी पूर्व की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2, ठीक है, S1 माइनस S2। S1 क्यों मैंने पहले लिखा, जिसकी स्पीड ज्यादा तेज होगी उसको पहले लिखना, ठीक है ना, जिसकी ज्यादा स्पीड, जैसे ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। और टाइम का क्या रहेगा, टाइम ही रहेगा, और ये हमारे पास बन जाएगा फॉर्मूला किसका, सेम डायरेक्शन का, यहां पे लिख लो क्या, सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना, डायरेक्शन हमारे पास यहां पे क्या है, सेम है। चलो इस पे देखते हैं, इस पे देखते हैं, अब इस बार ट्रेन क्या है हमारी, ठीक है, यहां पर भी हमारी ट्रेन है, ठीक है ना, इसकी डिस्टेंस क्या है, LT है, आराम से समझते जाना। ट्रेन अभी भी किस में, S1 स्पीड से इस दिशा में जा रही है, ठीक है, और ये जो श्यामलाल है ये किस दिशा में आ रहा है, इस दिशा में, यानी इस बार दोनों की स्पीड कैसी है, एक दूसरे की तरफ है, एक दूसरे की तरफ है, ठीक है ना, दोनों की स्पीड एक दूसरे की तरफ है। तो अभी भी अगर मैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिखूं और आपसे पूछूं कि यहां पे डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, अरे भाई इसकी तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है, श्यामलाल की कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो क्या करना है, क्या करना है, सीधे सीधे डिस्टेंस अभी भी कितनी कवर हो रही है, LT, डिस्टेंस अभी भी कितनी कवर हो रही है, LT। स्पीड क्या है, स्पीड, अब स्पीड का यहां पे मामला है, देखो स्पीड, जब एक तरफ दोनों लोग जा रहे थे, जब दोनों लोग एक ही तरफ जा रहे थे तो स्पीड को तुमने क्या किया, घटा दिया। लेकिन अब सोचो अगर मैं इधर से चलूं, एक कोई आदमी इधर से चले और बीच की डिस्टेंस हमारी क्या है, डी है, तो वो क्या होगी, इधर से मैं भागूंगा, इधर से ये भागेगा, तो जब हम दोनों मिलेंगे तो जल्दी मिल लेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों लोग भाग रहे हैं, क्यों, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने दोनों की स्पीड को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहां पर भी आप लोग क्या करोगे, एस वन प्लस S2 ऐड कर दोगे और मल्टीप्लाइड बाय T, और ये तुम्हारा फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या कर दोगे, ये क्या कर दोगे, अपोजिट डायरेक्शन, क्या लिख दोगे, अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन का केस बन जाएगा, ठीक है। यहां पे दो केस समझ में आ गए, दो केस समझ में आ गए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। केस तीन हो गए ना, तीन केस, चलो चौथा केस देख लेते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और भाई बीच बीच में कमेंट भी करते जाओ, तुम लोग हो कहां से, तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या है, एक बार चेक तो करें, क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, मैथ्स में कैसे पढ़ रहे हो, और हिंदी कैसे पढ़ रहे हो, पंचायती राज कैसे पढ़ रहे हो, सर ने जो वीडियो डाले उनको कितना कंप्लीट कर लिया है, एक बार बताओ तो स्ट्रेटजी अपनी, ठीक है ना। चलो आओ केस फोर्थ देख लेते हैं, ठीक है, चलो इसको मिटाए देता हूं। केस फोर्थ, सब लोग अपनी अपनी स्ट्रेटजी बताओ, देखते हैं किसकी स्ट्रेटजी सबसे शानदार है, ठीक है, अगले दिन उसकी स्ट्रेटजी भी हम क्या करेंगे, बोर्ड पे शेयर करेंगे, ठीक है, सबके लिए। चलो आओ, चलो अगला केस फोर्थ देख लेते हैं, हमारे पास फोर्थ केस क्या बनाता है एग्जाम में, फोर्थ, ठीक है ना, फोर्थ केस, चलो आओ, फोर्थ केस हमारे पास क्या बनाता है, देखो दो हमारे पास ट्रेन है और इसी कॉन्सेप्ट से एक ट्रेन ट्रेन का निकल के आता है, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास ये एक ट्रेन है, ठीक है ना, ये लो ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है, ठीक है, ये लो दूसरी ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, इसकी लंबाई कितनी है, L1 माने लेते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, L2 माने लेते हैं, ठीक है ना, इतना बात समझ में आया। और इसकी स्पीड कितनी माने लेते हैं, इसकी स्पीड S1 माने लेते हैं, इसकी स्पीड S2 माने लेते हैं, ठीक है। अब चलो मुझे क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। अब ये दोनों ट्रेन क्या हो रही है, एक ही दिशा में जा रही है, ठीक है,
ये दोनों ट्रेन क्या हो रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं। तो आओ चलो फॉर्मूला बनाते हैं। अब देखो इस बार ट्रेन की डिस्टेंस, अब यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस देखो जब ये ट्रेन इसको पार करेगी, ये ट्रेन इसको पार करेगी तो ये अपनी लेंथ तो पार करेगी ही, इसकी लेंथ तो पार करेगी, साथ साथ अपनी भी लेंथ को पार करेगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इस बार भी ये मूविंग ऑब्जेक्ट है और इसकी कुछ ना कुछ लेंथ है, ठीक है ना। तो आ जाओ डिस्टेंस बनाते हैं, डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी इस बार, एल वन प्लस L2। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, L1 प्लस L2। और सेम अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अभी जो मैंने स्पीड का कॉन्सेप्ट बताया, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, सेम डायरेक्शन मतलब पूर्व की ओर मान लो, तो जब भी कोई पूर्व की ओर दो ऑब्जेक्ट जा रहे हो तो उनकी स्पीड को क्या कर देना, माइनस कर देना। तो एस वन माइनस एस टू इन टू टी, और ये हमारे पास बन जाएगा क्या फॉर्मूला, सॉरी ये हमारे पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला सेम डायरेक्शन का, ठीक है ना। चलो ये व्यक्ति बात समझ में आई, ठीक है। चलो इस बार फिर हमारे पास ये दो ट्रेन है, ठीक है, दूसरी ट्रेन है हमारे पास, इसकी L1 है, स्पीड S1 है। इस बार क्या हुआ है हमारे पास, दूसरी ट्रेन भी है हमारे पास, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, L2 है, ठीक है। और ये इस बार क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे की ओर, जा रही है, तो हमें बेसिक फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इस पे हमें सब कुछ पुट करना रहता है, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रख लेना, ट्रेन चाहे एक ही डायरेक्शन में जाए या एक तरफ एक ही डायरेक्शन में आए या अपोजिट डायरेक्शन में जाए, कभी उनको लेंथ को माइनस मत कर देना, ठीक है ना। एग्जामिनर आपको बेवकूफ बनाने के लिए कभी कभी क्या करेगा, लेंथ भी दे देता है, ठीक है, लेंथ भी देगा, सब कुछ देगा, और आप कंफ्यूज मत होना, कभी लेंथ घटती नहीं है, ठीक है ना, कभी लेंथ मत घटा देना, ठीक है, लेंथ नहीं घटाना, लेंथ हमेशा क्या रहेगी, डिस्टेंस जो रहेगी हमेशा वो क्या होगी, एड होगी। देखो ये ट्रेन इधर जाएगी और ये ट्रेन इधर जाएगी, ठीक है ना, तो दोनों एक दूसरे की लेंथ को पार करेंगी, इसलिए लेंथ कभी भी माइनस नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर भी डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, L1 प्लस L2। इतनी बात समझ में आई। हाँ, अब स्पीड का देखना, पिछले कॉन्सेप्ट की तरह स्पीड को देखो, स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास, स्पीड अब इस बार डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, एक दूसरे की तरफ है और एक दूसरे को पार करने में कम समय लेंगी, तो कम समय कब लगेगा, जब दोनों की स्पीड को क्या करो, ऐड कर दो, दोनों की स्पीड को ऐड कर दो, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 into T, और ये हमारे पास किसका केस आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन, ये हमारे पास किसका केस आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। एक बार लिख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से नोट बनाते जाओ, बढ़िया से नोट करते जाओ, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना, बढ़िया से नोट्स करते जाओ, ठीक है। चलो चलो, एकदम बढ़िया, ठीक है ना। पचवा देख लेते हैं, पचवा केस देख लेते हैं, सब में क्या क्या थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, एकदम एक तरीके से देखते जाना, ठीक है ना। केस फिफ्थ, पचवा केस क्या आपके एग्जाम में बना सकता है, फिफ्थ केस देख लेते हैं क्या बनाएगा। देखिए फिफ्थ केस क्या है, देखिए एक ट्रेन है, ठीक है, ये देखो छुक 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 चल रही है, ठीक है ना। इसकी लेंथ कितनी है, L मान लो, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, L मान लो। अब यहां पे एक दूसरी ट्रेन है, ठीक है ना, ये दूसरी ट्रेन बगल वाले ट्रैक पे है, अगल बगल वाले ट्रैक पे है, ठीक है। अब जब आप लोग भी ट्रेन पे बैठते हो तो यहां से ये आप, अगर आप यहां बैठे हो तो टुकुर टुकुर क्या करते हो, इस ट्रेन को निहारना चालू कर देते हो, क्या पता कौन बैठा है किस लिए निहार, ठीक है ना, देखना चालू कर देते हो यहां पे, ठीक है, बिल्कुल देख रहे हो ना ट्रेन को। तो अब देखो, अब इसमें क्या पूछेगा कि ये जो ट्रेन है ये इस आदमी को, ना कि इस ट्रेन को, ध्यान से सुन लेना, इस आदमी को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। ये आदमी जो यहां बैठा है, तो कंफ्यूजन यहां पे ये क्रिएट होता है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है, आप लोग क्या करते हो, इस ट्रेन को कब पार करेगी ये समझ लेते हो, ठीक है ना। जबकि वो उसने क्या पूछा है कि ये जो रामलाल बैठा है, ये जो आदमी बैठा है, इसको कब पार करेगी, कितना टाइम में पार करेगी, तो इसकी डिस्टेंस क्या है, इस आदमी की, इसकी तो डिस्टेंस जीरो है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई आदमी ट्रेन पे बैठा है और वो किसी ट्रेन को देख रहा है, दूसरी ट्रेन को, तो दूसरी ट्रेन उस आदमी को कितने समय में पार करेगी, तो इसकी डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, जीरो होगी, इस आदमी की डिस्टेंस हमेशा जीरो होगी। तो हमारे पास फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो हम सिर्फ पहले ट्रेन की क्या लेंगे, लेंथ लेंगे, तो इस बार डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी, L1,
ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी L1। अब देखो, अब देखो, अब ये ट्रेन तुम ऐसे देख रहे हो, ये ट्रेन भी S1 स्पीड से किधर इधर जा रही है, ठीक है, और तुम भी और तुम्हारे और जिस ट्रेन में तुम बैठे हो वो वाली ट्रेन भी S2 स्पीड से किधर इधर ही जा रही है, यानी सेम डायरेक्शन में जा रही है। और जब भी कभी मैंने बताया कि सेम डायरेक्शन में जाओ तो क्या करो, S1 माइनस S2, S1 माइनस S2 कर दो। अब देखो मैं क्या मान रहा हूं, यहां पे S1 इज ग्रेटर देन S2 मान रहा हूं, ठीक है, इसलिए मैंने S1 माइनस S2 लिखा है। तुम अगर S2 ग्रेटर देन S1 मानो तो S2 माइनस S1 लिख देना, ठीक है, इसमें कोई लोड मत लेना, जैसा एग्जाम में आएगा कर देना, ठीक है, और टाइम इंटू टाइम, और ये बन गया आपका क्या फॉर्मूला, ठीक है। यहां पे गौर करने वाली बात यह है, एकदम गौर से देख लेना, मैंने डिस्टेंस सिर्फ किसकी ली है, मैंने डिस्टेंस सिर्फ पहली वाली ट्रेन की ली है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि ये ट्रेन इस ट्रेन में बैठे हुए आदमी को कब तक पार करे, मतलब कितने टाइम पे पार करेगी, उसने इस ट्रेन का नहीं बोला है, उसमें बैठे हुए आदमी को बोला है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है कि ये डिस्टेंस ध्यान दे लेना, नहीं तो क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो छठवां केस और लास्ट केस है ये, वो भी देख लेते हैं, ठीक है, छठवां और लास्ट केस, ठीक है, चलो छठवां और लास्ट केस एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लास्ट केस देख लेते हैं, ठीक है, चलो आओ लास्ट केस देख लेते हैं, ठीक है, चलो अगला केस देखते हैं। अगला केस हमारे पास क्या है, एकदम छोटे छोटे केस है और एक दिन क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है, एकदम। चलो छठवां केस, केस सिक्स भी लिख लो, केस क्या है अपने पास, चलो एक ट्रेन है, ठीक है ना, देखो ये हमारे पास क्या है, ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन है, यहाँ पे ये लो पहिए लगे हुए हैं, इसकी लेंथ LT है, ठीक है, और इसके स्पीड क्या है, S1 स्पीड है, ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस उसका दूसरा रूप कह लो। यहाँ पे क्या है, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म, ये ट्रेन नहीं है, ये क्या है, प्लेटफॉर्म, 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 ठीक है ना, इसकी लेंथ भी कुछ है, LP लिख दो प्लेटफॉर्म की लेंथ, ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हुए हो, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे कौन, आप लोग खड़े हुए हो। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, क्वेश्चन में भैया ये पूछेगा कि बताओ ये ट्रेन जो है आपको कितने समय में पार करेगी, ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसमें पुट करना है, ठीक है। तो इस बार देखो वो प्लेटफॉर्म को पार करने की बात नहीं कर रहा है, ध्यान से सुनना, वो प्लेटफॉर्म को पार करने की बात बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है तुम अगर यहां खड़े हो तो ये ट्रेन तुम्हें कितने टाइम पे क्रॉस करेगी, कितने टाइम पे क्रॉस करेगी, और तुम्हारी जो लेंथ है चाहे पॉइंट हो, चाहे तुम हो, कोई आदमी हो, चाहे एक ट्री हो, पेड़ हो, चाहे खंभा हो, इन सब की डिस्टेंस, इन सब की लेंथ क्या मानी जाती है, इन सब की लेंथ हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं, इतनी बात मानते हो कि नहीं, ठीक है। तो अगर इसकी इन सब की लेंथ जीरो मानते हैं तो इसकी भी लेंथ क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे, यानी डिस्टेंस किसकी काउंट होगी, डिस्टेंस सिर्फ ट्रेन की काउंट होगी, तो हमारे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगा, LT, ठीक है, LT इज इक्वल टू स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, S1 इंटू टाइम, और ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा केस नंबर सिक्स का, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो बहुत ज्यादा इसमें टॉपिक नहीं, बस इतना इंपॉर्टेंट है, इतने ही टाइप के क्वेश्चन आपसे पटवारी के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है ना। चलो तो बाकी अब अगला सेशन आएगा, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस लिए, आपको पता तो चले, आप लोग घबराते रहते हो कि बहुत कठिन नहीं आता है, ठीक है। चलो तो आप लोग क्या करेंगे, स्ट्रेटजी जरूर शेयर करिएगा अपनी, कि आप कैसे पढ़ते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं, किस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं, मैथ्स के किस टॉपिक में आपको दिक्कत है, ये सारी स्ट्रेटजी, और आप क्या क्या स्ट्रेटजी बना के कितने मंथ में क्या कंप्लीट करने वाले, सब कुछ आपको कमेंट सेक्शन में क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। और जिसकी स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट होगी उस स्ट्रेटजी को यहां डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ MP पटवारी आपकी बारी, YouTube चैनल में जुड़े रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, अपना सपोर्ट दिखाइए और हमारे साथ बने रहिए एग्जाम की तैयारी तक। चलिए धन्यवाद।